मॉम्स प्लेटर ऑफ लव। आपने तो इंट्रो में देख लिया है कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। बट इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए झटपट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो स्टार्टेड। आज हम आंवले की चटपटे गटागट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 15 आंवले। इसे अच्छे से स्टीम कर लेंगे और इसकी फलियों को आप निकाल लेंगे। साथ ही जो बीज होंगे उसे आप फेंक लेंगे। देखिए, ये आसानी से स्टीम करने के बाद खुल जाते हैं। इसका पेस्ट आपको बनाना है। जितना आंवले का पेस्ट बनेगा उतना ही आपको गुड़ भी लेना है। यहाँ 1 कप के करीब गुड़ लिया है मैंने। साथ ही यहाँ लेंगे हम चीनी का बोरा यानी शुगर पाउडर, साथ ही आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, साथ ही आधा छोटी चम्मच काला नमक, स्वाद अनुसार सादा नमक ले लेंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन को लेकर भूनकर पाउडर आपको बना लेना है। साथ ही सॉल्ट का पाउडर ले लेंगे हम। आमचूर पाउडर 1 बड़े चम्मच ले लेंगे। ना हो तो आप 1 बड़े चम्मच नींबू का रस भी ले सकते हैं। साथ ही हम लेंगे थोड़ी सी हींग। तो चलिए सबसे पहले हम आंवलों को पीसकर पेस्ट बना लेते हैं। एक ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे आंवलों को और इसका पेस्ट बना लेंगे। ग्राइंडिंग जार छोटा होने के कारण इसे 2 बार में हम पेस्ट बनाते हैं। देखिए मैंने कितना अच्छा सा महीन पेस्ट बना लिया है। तो चलिए गटागट बनाने की ओर बढ़ते हैं। गैस में हम एक पैन चढ़ा लेंगे। जैसे ही पैन गर्म हो जाता है हम डालेंगे इसमें आंवले के पेस्ट को। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम में पकाना है जब तक इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से आपको सुखा लेना है। देखिए आंवले का पूरा पानी सूख चुका है। इस तरह से आपको पानी को एकदम सुखा लेना है। चलिए अब हम इसमें डालते हैं गुड़। हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना है। गुड़ इसी आंवले के पानी में ही मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से इसमें मिल जाएगा। तो अच्छे से गुड़ को भी इसमें मिला लें। गुड़ और आंवला एक दूसरे के साथ मिल चुका है। अब इसे हम और 5 मिनट तक सुखाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। देखिए इसका पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सादा नमक, काली मिर्च का पाउडर, साथ ही भुना हुआ जीरा और अजवाइन का पाउडर, सॉल्ट का पाउडर, साथ ही हम डालेंगे आमचूर पाउडर और थोड़ी सी हींग। अब इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे तब तक भुनना है जब तक ये मिश्रण पैन को छोड़ने ना लगे। देखिए मिश्रण ने अब पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और ये एक जगह हो चुकी है। तो चलिए इसे हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम लेते हैं चीनी का बूरा। हाथ में थोड़ा सा चीनी का बूरा लगा ले इस तरह से। अब इसी तरह से चीनी का बूरा लगाते हुए छोटी छोटी लोई को काट कर इस तरह से गोल गोल बनाएंगे। गोल गोल बनाने के बाद इसे हम चीनी पाउडर में कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपका एक गटागट बनकर रेडी है। इसी तरह से हमें सभी को बना लेना है। छोटे छोटे लोई काट कर गोल बनाएं और इसे चीनी के बूरे से कोट कर दे यानी शुगर पाउडर से आपको कोट कर लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ सेम उसी प्रोसेस में आप भी करते रहे। देखिए इसी तरह से मैं सारे गटागटों को बना लेती हूँ। मेरे सारे गटागट बनकर रेडी है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। राजस्थान की फेमस ये चटपटी गटागट की रेसिपी आपको कैसी लगी? देखिए कितने चटपटे बने हैं, देखकर ही तो मुंह में पानी आ रहा है। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, मैंने तो एक खा लिया। मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी।
ये रेसिपी ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसे खाएंगे तो ये हेयर से लेकर आपके पेट तक की सभी समस्याओं को दूर करेगी, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको भी मेरी मम्मी की आज की ये हेल्दी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल में बने रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।